आज दादू दयाल की चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। हम दादू दयाल जी के बारे में थोड़ा जानना चाहें कि दादू दयाल कौन हुए, इस पे अपन विचार करते हैं कि ये दादू दयाल जी महाराज क्यों आए, किस लिए आए और कहां गए, इस पे संक्षिप्त में विचार प्रकट करता हूं। आया था खबर वहां की लाया था, खबर वहां की लाया, खबर वहां की लाया, एक आया वो तो खबर वहां की लाया। आया था खबर वहां की लाया, आदि अंत की जाने था पूर्ण ब्रह्म। ये संत बखना जी महाराज गा रहे हैं दादू दयाल के लिए, कौन आया वो, कैसा था वो। ओ आदि अंत की जाने था पूर्ण ब्रह्म बखाने था, बूझाते सब कहता था धोखा कछु ना रहता था, धोखा कछु ना रे। एक आया था खबर वहां की महाराज को इस पद से गा रहे हैं। बखना जी महाराज अपनी वाणी से उच्चारण कर रहे हैं। अब कभी भागवत कथा होगी ना, भागवत कथा कभी रहेगी ना, आपको सामने बिठाऊंगा। कलाकार की आदत होती है बजाता इधर जागता इधर, जब तक सामने नजर से नजर नहीं मिले। मैंने जहां भी देखा संतों को कलाकार को सामने बिठाते, जी गा रहे हैं। अब वो आदि अंत की जाने था, कौन था वो, वो आदि अंत की जाने था और पूर्ण ब्रह्म बखाने था। बूझाते सब कहता था धोखा कछु न रहता, बूझाते सब कहता था धोखा कछु न रे। कौन था वो, हरि का सेवक आदू था नाम उन्हीं का दादू था, हरि का सेवक आदू था नाम उन्हीं का दादू,
आया था, एक आया था, सीधा खेरवा, वो खबर वहां की लाया। भजन का श्रृंगार जो है ये संगीत है, इसमें क्या देना है, क्या बजाना है, कब कम ज्यादा आवाज करनी है, वो आपको हर पल संगीत में रहोगे तो खबर चलती रहेगी, और संगीत में नहीं रहोगे तो कड़िया कड़ी पड़ रही है। है ना आपकी, इसको उस बोरे पे रखो, कब कम करना कब ज्यादा करना, ये मणियों पे, जैसे पेडल होता है आपके हाथ में मणियां है, उस मणियों को कैसे घुमाना कम ज्यादा, ये बोर्ड पे आदत है। कथा में क्या होता है, कब कम करना पड़ जाए कब ज्यादा करना पड़ता है, ये हो। और जो ये जो कोड है ये सा का काम करता है, ये सा अगर हारमोनियम है तो फिर कोड देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 8 दिन हो गए अब समझा रहा हूँ मैं आपको, तो आप तो समझदार हो। आज हम स्वतंत्र है, भागवत में उलझे हुए नहीं है। भागवत में एक बंदी गत होती है, इतनी कथा करनी होती है, इतना बोलना, अब स्वतंत्र कथा है तो हम एक एक चीज को समझोए, एक एक चीज को निखारें, निखार करें, एक एक चीज को तैयार करें। जब ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं ना, मुकुट कैसे लगाना है, बांसुरी कैसे हाथ में देनी है, ठाकुर जी के चंदन कैसे लगाना है, ये तो बस वो ठाकुर जी ही चित में रहे, ऐसे ही संगीत वालों के सिर्फ संगीत चित में रहे, और संगीत वाला जरा सा भी संगीत से, और ये नजर का खेल है और कान का खेल है। कलाकार जब अब थोड़ा ऊंचा कलाकार हो जाता है ना, तो फिर वो नजर से नहीं, वो कान से ही सारा, चाहे किधर देखे वो, पर अपना काम इधर कर लेता। पर माफ करना, ये नजर ही तो दूसरी चीजें अंदर लेके आती। मैंने सुना है एक बार, अरे तुम देखो, एक बार एक माली बाबा ने एक बगीचा लगा, बगीचे में बड़े बड़े आम के पेड़ हैं और आम लग रहे हैं, और आम को खाने का मन हुआ। कब हुआ, जब किसी कोई एक अमरचंद, एक अमरचंद था, नाम अमरचंद, अमरचंद का मन हुआ कि मैं आम खाऊं। कब हुआ मन, जब देखा आम को, आम को देखते ही बोले मैं आम खाऊं, नजर ने देखा तो पांव चल दिए। अब पांव चल दिए क्यों, नजर खा नहीं सकती, नजर तो देख ही सकती है ना, तो पांव गए वहां पर, पांव भी क्या करे, पांव भी तोड़ नहीं सकते, तोड़े तो हाथ, तो हाथों ने तोड़ा, और जैसे हाथ ने तोड़ा तो हाथ तोड़ के करे क्या, उसने तोड़ के मुख में रखा, मुख ने भी नहीं रखा, मुख ने भी पेट में दे दिया, और इतने में माली बाबा आ गए, और उसने डंडा जमाया, कहां, मंगरा में। अब गलती किसने करी, आंख ने, और सजा कहां मिली, मंगरा में, गुमोड़ा ही गुमोड़ा।
गलती आंख ने करी तो आंख को सजा मिलनी चाहिए थी ना, पर सजा कहां मिली? मंगरे में। आंख ने देखा, पांव गए, ने तो आंख ने खाया, ने पांव ने खाया, ने हाथ ने खाया, ने मुख ने रखा, गया तो पेट में। पर सजा किसको मिली? मंगरे को। तो सजा किसको मिलनी चाहिए थी? आंख को। पर आंख को भी सजा मिली। तो आंख ने देखा, पांव गए, हाथ ने तोड़ा, तोड़ करके हाथ ने मुख में दिया, मुख ने पेट में दिया, सजा मंगरे को मिली। रोई कुण आख्या, मिल गई ना सजा। ये तेरी नजर का कसूर है। आहा, तो बाप इन्होंने ताले इसलिए बजाई कि हमें माफ कर दे। तो ये एक एक चीज को समझाओ, तैयार करो संगीत को, इतना सजाओ लागू है हम सबको। हमारे साधु महात्मा तो निष्काम कर्म करते हैं, कामना रहित, कोई कामना नहीं, निष्कामता से भगवान की भक्ति, निष्कामता से सुमरण और सेवा भी निष्कामता से, कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं, एक ही चाहत है, थे माँ का और मैं था का। हमारे रामदेवरा यात्रा करते लोग कहते हैं, बाबो कीरो, बोले बाबू आपारो, आपा कीरा, बोले आपा बाबारा। एक आया था खबर वहां की लाया, एक आया था, एक आया था खबर वहां की। वो आदि अंत की जाने था, पूर्ण ब्रह्म बताने था वो, जाते सब कहता था, पूजाते सब कहता था, धोखा कछु न रहता था, धोखा कछु न रहता। ओ हरि का सेवक आदू था, नाम उन्हीं का दादू, हरि का सेवक आदू था, नाम उन्हीं का दादू था।
आया था एक आया था, खबर वहां की लाया था, खबर वहां की। एक आया था, एक आया था, खबर वहां की लाया। बोलो गुरु महाराज की, दादू दयाल जी महाराज की। ये दादू दयाल जी महाराज कहां से आए हैं? तो संत कहते हैं कि अहमदाबाद नगर जो गुजरात में है, गुजरात में अहमदाबाद नगर है, और अहमदाबाद में एक साबरमती नदी बहती है, और वहां एक लोधी नाम, लोधी राम नाम के ब्राह्मण थे, और इनके कोई संतान नहीं थी, भगवान के भक्त थे, रोज सुमरण करते थे, तपस्या करते थे, और रोज साबरमती नदी के किनारे स्नान करके नाम जप किया करते थे, पर इनके संतान नहीं थी। और उस समय संबत 1601 में मुगलों का राज्य था, बादशाह अकबर का राज्य था। उस समय धर्म पर, गौ माता पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था। जगह जगह गौ माताएं दुखी थी, प्रजा में दुख व्याप्त था। आए दिन राजा महाराजाओं में झगड़े होने, लड़ाइयां होनी, और अधर्म का बोलबाला था। उसी समय आकाशवाणी हुई सनकादिक ऋषियों को कि एक चार संत तप करते हैं समुद्र के टापू में, सनकानंद, सनत कुमार, ये चारों ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनमें से एक को आकाशवाणी हुई कि जाओ गुजरात की धरती पर आप प्रकट हो, और राजस्थान की धरती पर भक्ति के दीप जलाओ। तो उनमें से एक संत, चार संतों में से एक संत जिनका नाम है सनक जी महाराज, और सनक जी महाराज ही दादू दयाल जी के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। ये लोधी राम नाम के जो ब्राह्मण हैं, इनके संतान नहीं थी, ये रोज साबरमती नदी के किनारे जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, नारायण मेरे भी कोई पुत्र हो जाए। मुझे लोग बांजड़ा बांजड़ा कहते हैं, मेरे भी कोई संतान हो जाए। तो भगवान नारायण ने आकाशवाणी करी कि हे लोधी राम जी, आपके संतान तो होगी नहीं, पर हां आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। तो लोधी राम ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे संतान होगी नहीं तो मुझे प्राप्त कैसे होगी? तो आकाशवाणी ने कहा कि जहां आप साबरमती नदी के किनारे भगवान का भजन करने के लिए जाते हो, वहीं उस साबरमती नदी में ही आपको एक सनक जी महाराज, वो आपको पुत्र के रूप में मिलेंगे। एक संत आकाशवाणी हुई और इस आकाशवाणी को सुना, एक दिन सच में एक संत मिल गए। संतों ने आशीर्वाद दिया, संतों ने कहा क्या चाहिए? बोले मुझे पुत्र चाहिए। तो कहा कि साबरमती नदी के किनारे कल सुबह, साबरमती के किनारे सूर्य उदय हो तब आप वहां चले जाना, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वो स्वयं सनक जी ही वहां जाकर के उनको कहा, और वही संत जो है बालक बन करके
और वो साबरमती नदी में बहते हुए आ रहे हैं पालकी में, कमल का पुष्प में। और लोधीराम ब्राह्मण को तो नींद ही नहीं आई, सुबह 3 बजे जाकर के बैठ गया, कब सूर्य उदय हो और कब मेरा भाग्य खुले, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसे जैसे ही सूर्य उदय, सूर्य की किरणें निकलने लगी, इधर संत दादू दयाल जी महाराज साबरमती में बहते हुए बाहर आ रहे। लोधीराम ब्राह्मण उस साबरमती में कूद पड़े और दादू दयाल जी महाराज को निकाल करके और अपने घर ले आए। जब घर लाए तो मन में संकोच होने लगा, अरे लोग कहेंगे ये पुत्र पता नहीं किसका उठा करके लाया है, पता नहीं कहां से लाया है। मन में संकोच हुआ, मैं दूध कहां से पिलाऊंगा। लेकिन जैसे ही लोधीराम जी ब्राह्मण अपनी पत्नी को पुत्र देते हैं, छोटा बालक देते हैं, वात्सल्यता से उनके स्तनों में दूध आ जाता है और दादू दयाल जी महाराज दूध पीने लगते हैं। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। दयाल जी महाराज का प्राकट्य होता है, दादू दयाल महाराज की। भगवान भी प्रकट होते हैं, क्यों? वो अजन्मा है और संत दादू भी अजन्मा है। जो नी जीव जन्म नहीं आवे, निर्भय नाम अमर पद पावे, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, वो तो हम जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। जो पलक माई प्रकटे सही, जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देख कर अति आतुर तिवार, आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार, साधु दुखी तो हरी दुखी ऐसो सृजना। तो ये तो सबका दुख दूर करने के लिए ही दादू आए हैं। दादू का अर्थ ही यही है, दा कहता दारिद्र मिटे और दू कहता दुख जाए, और दादू दादू जो रटे तो भी को आवागमन मिट जाए, भी को जन्म मरण मिट जाए। जो कोई दादू का नाम का जाप करेगा उसका जन्म मरण मिट जाएगा, उसके सारे दुख मिट जाएंगे, उसकी दरिद्रता मिट जाएगी। हमारे आज भी दादू पंथ में संत कहते हैं कि हमारे दादू पंथ में कोई भी भीख नहीं मांगते हैं, कि जो दादू दयाल का है। भिक्षा मांगते हैं तो सिर्फ भोजन की ही मांगते हैं, और कोई चीज आपको मांगते हुए नहीं देखोगे। और वो अपने लिए, खुद के लिए नहीं मांगेंगे, चाहे गाय के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीब के लिए, चाहे खुद बिक जाए, पर अपने लिए नहीं मांगते हैं, समाज के लिए मांगना पड़े तो वो भिखारी बनने के लिए तैयार है। जो दादू कहते हैं मैं भिखारी मांगता, वो स्वयं सनक जी महाराज के अवतार साबरमती में प्रकट होते हैं संत दादू दयाल जी। अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, उत्साह रोज उत्साह होता है अहमदाबाद में। दादू दयाल जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए तो लोधीराम जी ब्राह्मण ने देखा कि मैं इनको पढ़ाऊं, तो गुरुकुल चलते थे, उन गुरुकुल में दादू दयाल जी महाराज को पहली बार पढ़ाने के लिए भेजा। तो गुरु महाराज ने पूछा, गुरुदेव ने पूछा कि आपको प्रिय क्या है, वो मुझे स्लेट पे लिख करके बताइए पाटी पर। तो दादू दयाल जी महाराज ने पाटी पे लिखा श्री राम, बोले मुझे राम ही प्रिय है, मुझे राम नाम अति प्रिय है। तब गुरुदेव ने कहा लोधी राम जी, आपका पुत्र तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो कोई अवतारी पुरुष है जो आपके घर आया है। लोधी राम जी का उत्साह का ठिकाना नहीं, और अल्प समय में ही दादू दयाल जी महाराज ने उर्दू फारसी संस्कृत सब भाषा पढ़ी। जो दादू दयाल जी अपनी वाणी में कहते हैं, उर्दू भाषा भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं। दादू दयाल जी महाराज हिंदी भाषा, मारवाड़ी भाषा भी बोली है,
गुजराती भाषा में भी दादू दयाल जी महाराज ने वाणी गाई है, मराठी भाषा में भी वाणी गाई है, सिंध भाषा में भी दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी महाराज ने ऐसी कोई भाषा नहीं थी जो वो नहीं जानते, अल्प समय में ही सारी। एक दिन दादू दयाल जी महाराज विद्या अध्ययन के लिए जा रहे थे, 7 वर्ष की उम्र थी, उनको परमपिता परमात्मा मिले एक बूढ़े बाबा के रूप में। 7-8 साल की उम्र, मस्तक पे हाथ रखा, कहा दादू मैं मस्तक पे हाथ रखता हूं, आज 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र तेरे घट के भीतर प्रकट हो गए हैं, अब जो भी आप बोलोगे वो वाणी अमृत में वाणी होगी। आशीर्वाद प्रदान कर दिया। पहली बार 7 वर्ष की उम्र में गुरु महाराज मिले। फिर 11 वर्ष के जब दादू दयाल जी महाराज हुए तो आप खबर करना, अहमदाबाद में कांकरिया तालाब है और कांकरिया तालाब पर दादू दयाल जी महाराज अपने साथियों के साथ खेल खेल रहे थे। छोटे छोटे बालक उनके साथ खेल रहे थे, दादू दयाल जी महाराज भी खेल खेल रहे थे। तो परमपिता परमात्मा ने देखा कि मैं सनक जी महाराज को दादू के रूप में भेजा हूं जगत का कल्याण करने के लिए, ये तो अब तक भी खेल ही खेल रहे हैं बच्चों की तरह। तो खुद परमपिता परमात्मा बूढ़े बाबा का रूप धारण करके दादू जी महाराज के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मस्तक पे हाथ रखा, और जितने भी जो छोटे छोटे बालक थे दादू दयाल जी के साथ वो सब भाग गए। कारे बोले ये बूढ़ा बाबा कहीं जोड़े में गाल के ले जाएगा, तो वो सारे बच्चे भाग गए और दूर खड़े हो गए। और दादू दयाल जी महाराज उन बूढ़े बाबा जो गुरु महाराज थे परमपिता परमात्मा उनके चरणों में जाके प्रणाम करते हैं, और वो बूढ़ा बाबा दादू जी महाराज के मस्तक पर फिर हाथ रखते हैं। और जैसे ही मस्तक पे हाथ रखा और दादू जी महाराज के मुख से वाणी निकली, गेब माई गुरुदेव मिला, पाया हम परसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, दीक्षा अगम अगाध। दादू कहते हैं मुझे गेब गेब कहते, अक्षमात मुझे सतगुरु मिले। मैंने कोई जप किया न मैंने कोई तप किया न मैं कोई पुण्य किया न मैंने कोई दान किया, ये तो उनकी कृपा हो गई, मेरा तो कोई ऐसा प्रारब्ध ही नहीं है जो मुझे ऐसे सतगुरु मिल जाए। लेकिन कृपा भई गुरु महाराज की, भलो भयो संतन को, सुन सुन कथा सरस दादू की, भ्रम भाग्यो मारा मन को, ओ भलो भयो संतन को। कोई संतों की कृपा से मुझे परम पिता परमात्मा स्वयं गुरु बनकर के आए और मेरे मस्तक पे हाथ रखा। दादू गेब माई गुरुदेव मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, दीक्षा गमगा। एक अन्य संत ने और कहा, बालपणे दर्शन दियो भगवत बूढ़ल हो, नगर एमदा बाद में दादू भज तुम। नगर अहमदाबाद में गुरु महाराज मिले और मस्तक पे हाथ रखकर कहा, हे दादू तू मेरा भजन कर, तू मेरा भजन कर। और दादू दयाल जी महाराज, अब गुरु महाराज मिले मैं क्या भेंट चढ़ाऊं, तो दादू दयाल जी महाराज की जेब में 1 पैसा मिला, क्योंकि वो भी तो नगर सेठ के बालक थे और लोधी राम
ब्राह्मण जो है इनके पानी के जहाज चलते थे गुजरात में, तो बड़े व्यापारी थे। दादू दयाल जी महाराज ने अपनी जेब में हाथ डाला तो एक आना निकला, एक पैसा। वो अपने गुरु महाराज बुड्ढल भगवान को भेंट करते, बोले गुरु महाराज को क्या दू मैं, वैसे तन भी तेरा मन भी तेरा ये तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान मैं क्या दू आपको, ये तन मन धन सब आपका है पर कुछ तो दू। तो एक पैसा निकाल के गुरु महाराज को भेंट किया। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। दादू दयाल जी ने कहा गुरु महाराज मेरे से कुछ ले ही नहीं रहे, तो मन टूट गया। तब गुरु महाराज बुड्ढल भगवान ने कहा दादू एक काम करो, आपके पास जो एक पैसा है ना इसको ले जा करके और दुख नगर अहमदाबाद में जाओ और जो पहले दुकान मिले वहां से कोई प्रसाद ले आओ। दादू दयाल जी ने कहा मैं प्रसाद लेने के लिए जाऊंगा और आप यहां से चले गए तो ये प्रसाद किसको चढ़ाऊंगा। तब बुड्ढल भगवान ने कहा मैं यहीं खड़ा रहूंगा आप प्रसाद लेकर के आओ। तो दादू दयाल जी महाराज दौड़े दौड़े गए और वहां सबसे पहले एक दुकान मिली, वो दुकान थी पान की, पान की दुकान मिली। तो वहां से पान प्रसाद लेकर के आए तो बुड्ढल भगवान वहीं खड़े थे। बुड्ढा आप अलेख सृष्टि जी ने सकल उपाई, अरे बुड्ढे बिट्टल हो ये नाम की रोटी खाई। वही बुड्ढल भगवान जो नामदेव की बात रोटी लेकर के भाग गए थे बिट्ठल भगवान, और वही दादू दयाल जी महाराज के गुरु बने हैं वही परमपिता परमात्मा। बुड्ढा आप अलेख सृष्टि जी ने सकल उपाई, जिसने सारी सृष्टि रचाई है सारा ब्रह्मांड रचाया है वो बुड्ढल भगवान, वो परमात्मा साक्षात आज धरती पे उतर आया है। वो पान का प्रसाद दादू जी महाराज ने बुड्ढल भगवान को दिया, बुड्ढल भगवान ने उस पान को आधा तो तोड़ करके खुद ना पाया और आधा तोड़ करके दादू दयाल जी महाराज के मुख में दे दिया। दादू दयाल जी महाराज आधा पान का प्रसाद पाने लगे और हुआ कि पान में रस होता है तो उस पान का रस की बूंद दादू दयाल जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब दादू दयाल जी महाराज संकोच करने लगे, अरे बोले मेरे गुरु महाराज का प्रसाद मेरे चरणों में गिर गया, मैं कितना अपराधी हो गया हूं। तब गुरु महाराज बुड्ढल भगवान ने कहा दादू ये प्रसाद तेरे मुख में तो दिया ही है पर ये मेरा प्रसाद तेरे चरणों में भी आ गया, अब जो कोई तेरे चरण में आएगा तेरी शरण में आएगा उसको भी ये महाप्रसाद मिल जाएगा और उसका भी कल्याण होगा। तो जो कोई दादू दयाल के चरणों में जाता है तो उनके चरणों में दादू दयाल जी महाराज के चरणों में परमपिता परमात्मा का प्रसाद दिया हुआ है, जो कोई उनकी शरण में जाता है उसको भी महाप्रसाद मिल जाता है। वो जन्म मरण से तर जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, पर उनकी शरणागत हो जाए उनके चरणों में समर्पित हो जाए दादू दयाल के, एक बार दादू दयाल का हो जाए। बुड्ढल भगवान ने कहा है अब तो वो छोटे छोटे और बालक थे ये सारा दृश्य देख रहे थे तो सब बालक दौड़े दौड़े गए। लोधीराम जी ब्राह्मण को कहा कि एक बूढ़ा बाबा आया और संत दादू को प्रसाद दिया और पता नहीं क्या जादू मंत्र कर दिया, तो दादू तो वहीं ध्यान लगा करके बैठा है। लोधीराम ब्राह्मण तुरंत वहां कांकरिया तालाब पर आते हैं और दादू दयाल जी को ध्यान में डूबे हुए देख करके कहते दादू चलो अब
तब दादू दयाल जी कहते हैं दादू दयाल जी महाराज कहते अब तो मैं यहीं रहूंगा। क्या हुआ? चलो घर। दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार, निर्धन धनवत कर लिया गुरु मिलिया दाता। बोले अब तो मेरे को दातार मिल गए, मुझे गुरु महाराज मिल गए। मैं तो निर्धन था, मुझे धनवान कर दिया। अरे बोले कौन सा धन दे दिया? बोले ये संसारी धन नहीं, मुझे राम नाम धन मिल गया। पायो जी मैं तो राम रतन धन, जोर से बोलो पायो जी मैं तो राम रतन धन। मीराबाई गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोली दादू दीन दया पाकर अपनायो। पायो मैंने राम रतन सेवक की पा। तेरा तू है मेरा यह दादू, खर्चन खूटे चोर न लूटे। माताएं आप सब गाएगी मेरे साथ। सेवक की खर्चन रक्षा करे सेवक के प्रति दिन दिन बढ़त सवायो। हो दिन दिन बढ़त सवार। पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गाइए पायो जी मैंने ये राम रतन धन। कहाँ मिलता है? बोले गुरु महाराज के पास, संतों के पास मिलता है। जो दादू दयाल खुद कहते हैं दादू राम मिलन के कारणे जे तू खरा उदास, साधु संगत सोध ले राम उन्हीं के पास। राम कहाँ मिलेगा? साधु संतों के पास। गाइए पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दिनी मेरे सतगुरु,
परम पिता परमात्मा परमेश सेवक की बार चढ़े श्री दादू दी यो दिन दिन बढ़त सवायो हो दिन दिन पायो जी हाँ पायो जी लोग पूछला थाने पूछला लोग इतने उड़े सात तन कथा में गीत थाने काई मिलियो तो यो गीत सुना दीजो हाँ बे लोग ही पूछला जो सारे तन ताश कूट पकड़े थे ड्यूटी अड्यूटी बिड़िया फूक पकड़े थे धुंधाड़ा काट पकड़े थे अरे थारो धुंधाड़ो कट जा लो एकदम जो थारी मारी क्रिया करे फटलाया कर क्रिया करे और यान के बकर ओहो बड़ी भक्तन बढ़ रही थी या तो आज का वे लोग पूछला तो थाने या गीत याद दिला रही तू पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन भागवत पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी कैसो धन और कोई धन होता तो डर रहता कोई लूट ना ले कोई चुरा ना ले पर ये राम नाम रत्न ये राम नाम रूपी धन ऐसा है इसको कोई लूट नहीं सकता अरे कोई लूट भी लिया तो भी को भी कल्याण उको भी जीवन सुंदर को और जत्रो लूटे उतरो भी बढ़े दिन दिन बढ़त सवायो पायो में तो राम की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल सेवक की न्यारी न्यारी मत गाओ एक लेन में चलो यो संगीत गावो सुई की नोक का मैंने हाथी काट बोच एक लेन में चलो और विलंबित एक साथ ऐसा ऐसा ऐसी रिदम दो कर चन खूटे चोर न लूटे कर चन चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो हो दिन दिन बढ़त सवा पायो पायो जी ने दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं दादू दयाल जी कह रहे हैं तो मेरे गुरु महाराज ने क्या दिया दादू सतगुरु सहज में विलंबित बजाओ दादू दयाल जी कह रहे मेरे गुरु महाराज ने किया दिया कि दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार निर्धन धनवत कर लिया गुरु बिलिया दाता मैं निर्धन था मेरे पास और धन तो खूब था पर ये राम नाम रूपी धन नहीं था पर मेरे गुरु महाराज मुझे राम नाम रूपी धन दे दिया आज मैं भी धनवान हो गया मैं धन्य हो गया मैं धन्य हो गया
और कोई धन देते तो डर रहता कोई लूट ना ले कहीं खर्च ना हो जाए, पर यो राम नाम रूपी धन एड़ो है यो खर्च होवे जितरो ही बढ़े। अब बुढ़ल भगवान आशीर्वाद प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए और लोधी राम ब्राह्मण दादू दयाल जी कहते घर चलो। कहा महाराज अब तो यही है कि हरि का भजन करो सुमरण करो। अब तो दादू दयाल जी का मन कहीं लगता ही नहीं है, अब तो एक ही है हरि नाम, नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे ताकि मैं बलियारी जाऊं रे वो दुस्तर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे वो तारण हारा भवदल पारा निर्मल सारा नाम रे वो नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाम रे वो सब सुख दाता अमृत राता दादू माता नाम रे। अब तो नाम की मस्ती है, मुझे एक ही मस्ती है वो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नाई मुझे मेरी मस्ती मुझे मेरी हाँ मुझे मेरी मस्ती जहां मेरे अपने सिवा कुछ ना आई जहां मेरे सिवा कुछ ना आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले के आई एक ही मस्ती है हरि नाम की जो मस्ती कभी उतरे ही नहीं और जितनी भी मस्तियां है ना वो सब उतर जाती है वो सारे नशे उतर जाते हैं और एक ऐसी मस्ती है जो चढ़ती रहे दिन रात जो मीरा को चढ़ गई कर्माबाई को चढ़ गई जो मस्ती धना भगत को चढ़ी जो मस्ती महर्षि भगत को चढ़ी जो मस्ती गुरु नानक को चढ़ी जो मस्ती गुरु गोविंद को चढ़ी जो मस्ती सुंदरदास जी को चढ़ी जो मस्ती रज्जब जी को चढ़ी जो मस्ती बखना जी को चढ़ी जो मस्ती सेजोबाई को चढ़ी वही मस्ती जांबे जी महाराज को चढ़ी वही मस्ती खेतेश्वर भगवान को चढ़ी वही मस्ती आज दादू दयाल गा रहे हैं। एक कोई मस्ती से बांसुरी बजा रहा था वो भी एक मस्ती थी बांसुरी बजा रहा जंगल में तो कोई आप जान को कोई सज्जन आदमी बिने क्यों बोला काई करे तू अटक खड़ियो खड़ियो बोला आनंद की बांसुरिया बजा रही हूं मस्ती की बांसुरी बोले मस्ती की बांसुरी बोले हाँ अरे बोले कोई काम धंधो करिया कर तो वो बोले काम धंधो करवा सु कहीं होवे अरे बोले कोई काम धंधो व्यापार करे लो थारो ब्याह हो जालो पछ ब्याह होया पछ कहीं हो लो
बड़े बालक टापर हो जाला बाद बालक टापर के बाद बड़ा जे बाद बड़ा कर जे फिर माँ को ब्याह कर दीजे पाचे अरे पाचे बता जी दे पाचे बजा लीजिए बांसुरी। तो वो बोलियो मैं आनंद की बांसुरी ने मस्ती की बांसुरी ने बजा रही हूं और अब ये बांसुरी आनंद की बांसुरी ने मस्ती की बांसुरी ने रखकर पाचो काम धंधो करूं व्यापार करूं मकान बनाऊं गाड़ी घोड़ा लियाऊं और पाचे ब्याह करूं ब्याह करिया पाचे फिर बालक टाबर होवे बालक टाबरा ने पढ़ाऊं और बड़ा करूं और पाचे फिर वहां को ब्याह करूं और फिर पाचे बांसुरी बजाऊं तो अतरा लफड़ा कर बांसुरी बजानी दे तो मैं तो पहले ही बजा रही हूं। अतरो आड़ जंजाड़ फैलार पाचे भी आनंद की बांसुरी बजानी है तो मैं तो पहले ही बजा रहा हूं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी अजब है ये मस्ती और कुछ नाई अजब है ये मस्ती और कुछ नाई मुझे मेरी मस्ती बोलो दादू दयाल महाराज की। ये कोई बालक रो रहा है भाई संभालो किसका है कोई सुनो थोड़ गा के अब ज्यादा हो जाओ तो यही थोड़े बचे ए भगवान कोई संभालो भाई कौन कुछ न हो तो मैं ले जाऊं बाबा जान अरे कोई तो माई उठो रही कोई संभालो क्यों रो बचे इन्हें पूछ तो लियो कजना कौन की नजरिया कजना कौन की नजरिया हाँ मुरली भाई तू तो संभाल भाई कौन को टावर से बोलो गो माता की दादू दयाल जी महाराज की दादू दयाल जी महाराज उस मस्ती में डूबे हैं जो प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य है वो मस्ती सबको प्राप्त हो। जिनको वो मस्ती नहीं मिलती है हरि नाम की राम नाम की तो फिर वो लोग भटक जाते हैं फिर जो कोई लोग नशा में मस्ती खोजने लगते हैं कोई लोग धन संपदा में मस्ती खोजने लगते हैं पर वो मस्ती वहां नहीं मिलती है। मस्ती ये मस्ती गुरु महाराज के चरणों में ही मिलती है संतों के सत्संग में ही मस्ती मिलती है और दुनिया में कहीं मस्ती नहीं मिलती। आहा दादू दयाल जी महाराज अब तो रात और दिन एक ही स्मरण करते हैं। एक दिन दादू दयाल जी महाराज ने अहमदाबाद को छोड़ करके आबू पर्वत घूमते हुए जब आ रहे थे तो दादू दयाल जी महाराज को छोटे छोटे बालक मिले। दादू दयाल जी को कहा महाराज पेड़ की छाया में बैठो। दादू दयाल जी महाराज सबको हरि नाम संकीर्तन कराते थे श्री राम जय जय राम ये हरि नाम संकीर्तन कराते थे। सब बालकों को कीर्तन कराया
कीर्तन कराने के बाद में दादू दयाल जी महाराज के पास में दो शिष्य आए, एक का नाम था हाँ कहीं बोलो ना बेटा, एक बार पाछो बोल जी, मिट्टी मिट्टी बोल तू प्यारी प्यारी, आई लागे जी थारी प्यारी प्यारी है? ताड़िया बजाओ भी बच्चा के लिए। अब ये कल से पीछे पड़ा हुआ है मीठी मीठी बोल, तो आज बोल ही देता हूं, ठीक है? एक बार बालक के लिए जोरदार ताड़िया बजाओ। अरे मीठी मीठी बोल तू तो प्यारी प्यारी बोल, बोलो कोड़ मत दे। है मिट्टी मिट्टी बोल तू तो प्यारी प्यारी बोल, बीण जारी है थारो मन के जमारो अनमोल ये बाता थारी राजा सी। आप सब बोलेंगे रामू थारा बाग में तो लांबो पेड़,
अरे चढ़े तो मेवा चाख ले, चढ़े तो मेवा चाख ले, ये गिरे तो चकनाचूर माता थारी रे जाती।
लाल महाराज की, गौ माता की। तुमने हाथ खड़ा करके बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे हर हर। तो दादू दयाल जी, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिना बोले, बिना बोले, कोई बोलेंगे नहीं, खड़ा तो नेता रहते। हाँ, हार जाओ जल्दी, नीचे बैठ जाओ, आप तो समझदार लोग हो, नीचे बैठ जाओ। भाई साहब आप भी बैठ जाओ, क्यों दुख पा रही है, तो बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, अड़ी जगह पड़ी थी। हाँ, बड़े कुर्सियां लाग रही थी, बाहर बैठ जाओ। बोले गौ माता की। दादू दयाल जी महाराज का प्रसंग चल रहा था, मुझे कथा 1 बजे करनी थी, समय क्या हो गया, 1:30 बज गया, 2 बजे तक करो, ठीक है। कहाँ जाना है अब, तीनों का कार्यक्रम होगा रात को, रामगढ़ जाना, साधन की व्यवस्था करवाऊं तो आपके साधन छूट जाए तो मेरी जिम्मेवारी, ठीक है। बोले गौ माता की। महाराज दादू दयाल जी के चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि हम दादू राम भी जपते हैं, पर दादू दयाल है कौन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना हम सबको जरूरी अनिवार्य है। दादू दयाल जी महाराज अहमदाबाद से आबू पर्वत आए, ज्ञानदास और माणकदास जी को अपना शिष्य बनाया और केदार देश में, केदार देश टापू माए नरपति आराध कियो, अन जल त्याग दियो नर नारी सब ही, हाहाकार भयो जब अम्मावती सुनो तब वेग ही पधारे स्वामी दुख मेट्यो सब। दादू दयाल जी महाराज ज्ञानदास जी और माणकदास जी को वहां केदार देश में भेजा, जा मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती थी एक माता जी के, तो दादू दयाल जी महाराज ने उस पूरे केदार देश को राममय, राम की भक्ति जागृत करने के लिए उस देश में ज्ञानदास और माणकदास जी को भेजते हैं। और दादू दयाल जी महाराज पुष्कर होते हुए रूपनगढ़ सुरसरा और पनेर, पनेर के पास जा तेजा जी महाराज का ससुराल है, वहां एक करड़ाला गांव है जहां एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर दादू दयाल जी महाराज ने तपस्या करी। वहां हर शिवरात्रि को दादू दयाल जी का मेला लगता है, अनेकों संत वहां पधारते हैं। अब वहां की दादू दयाल जी की कुछ लीला है वहां कि आपने वहां 6 बरस तक दादू दयाल जी महाराज वहां विराजे, अंजल त्याग दिया, तो परमात्मा की आकाशवाणी हुई, कहा कि दयाल आप तो, आपका तो तेजपुंज का शरीर है, तो आपको न जल की जरूरत है न भोजन की जरूरत है, पर अगर आपकी देखा देखी कोई पीछे साधु ने कर लिया ने अंजल त्याग दिया तो वो 17वीं हो जा लो, तो आप इन पर कृपा करके आप कुछ प्रसाद ले लिया करो। तो दादू दयाल जी महाराज 2 तोड़ा बाजरा और देसी गौ माता का दूध लेते थे, गाय का दूध और 2 तोड़ा बाजरा, और तपस्या करने लगे तो इन तपस्या इतनी कठोर करी कि वहां का इंद्र देवता घबरा गया, और इंद्र देवता ने अपनी अप्सराएं भेजी दादू दयाल जी महाराज के भक्ति में विघ्न डालने के लिए। तब दादू दयाल जी ने कहा, आन पुरुष हूं बहिनड़ी परम पुरुष भरतार, हूं अबला समझू नहीं तू जाने करतार। दादू दयाल जी कहते, अरे बहन तू तो मेरी बेणा है, मैं भी तेरी बेणा हूं। तो उस माया ने कहा, आप तो पुरुष हो। बोले, नहीं पुरुष तो एक परमात्मा ही है, बाकी सब बेणे ही बेणे हैं, सब बेटियां ही है, मैं भी एक उस परमात्मा की ही बेटी हूं।
और अपन तो दोनों बहने, तू मुझे क्या रिझा रही है? तू मुझे न रिझा करके तो उस परमात्मा को रिझा। माया का सारा गर्व टूट गया। राजा इंद्र को जाकर के कहा, रे बोले तू किसके विघ्न डालने के लिए भेजा? वो तो तेरी इंद्र की भी चाहत नहीं, इंद्र की राज की चाहत नहीं करता। लोक न मांगू योग न मांगू भोग न मांगू, तुम ही मांगू राम जी, घर नहीं मांगू बन नहीं मांगू, तुम ही मांगू देव जी, दादू तुम बिन और न मांगू दर्शन मांगू देव जी। वो तो एक परमात्मा के दर्शन के अलावा दादू दयाल की कोई चाहत ही नहीं है। दादू दयाल तो ये कहते हैं कि परमात्मा में तो मांगता आपसे यही हूं, क्या साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास सिदक सबूरी साच दे, मांगे दादू दास, मांगे दादू दास। और क्या मांगा दादू दयाल ने परमात्मा से? भक्ति मांगू बाप भक्ति मांगू, मने थारा नाम नो प्रेम लागो, शिवपुर ब्रह्मपुर सर्वसो कीजिए, अमरथा वार नहीं लोक मांगू। न मुझे शिव पर चाहिए न ब्रह्म लोक चाहिए, न मैं कोई अमर होना चाहता हूं, क्या चाहिए? बोले आप अवलंबन तारा आंगणो भक्ति सजीवन रंग राचू, मुझे तो आपका ही अवलंबन चाहिए। दहनो गहनो बास वैकुंठ तनो, इंद्र आसन नहीं मुक्ति जाचू, न इंद्र का आसन चाहिए न मुझे वैकुंठ चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले भक्ति वाली कर आप अविचल हरि, निर्मलो नाम रसपान भावे, रिधि ने सिद्धि ने राज रुड़ो नहीं देव पद मारे काजने। आत्मा अंतर सदा निरंतर, थारी बाप जी भक्ति दीजे, कहे दादू हिव कोटि दत्त आपे, तुम बिना थे हम नहीं लीजे। दादू दयाल कहते हैं करोड़ों भी मिल जाए पर हम तो एक राम के नाम बिना हमें दूसरी कोई चाहत ही नहीं है। तो बाप दादू दयाल जी महाराज तो कोई चाहत रखी नहीं, एक ही चाहत रखी, भक्ति मांगो तेरी भक्ति करता रहूं। तो वो अप्सरा जाकर के इंद्र को कही, इंद्र देवता ने आकर के चरणों में माफी मांगी, क्षमा करे महाराज, और अगर कोई तपस्या भजन करे ना तो सबसे पहले चिंता इंद्र को होने लगती है, उनका सिंहासन डोलने लगता है, इसलिए सबसे पहले विघ्न जो है इंद्र ही करता है महाराज। अब उस करडाला पहाड़ी पर एक दिन की घटना है, हमारे कलाकारों को जाना है, ये आपस में इनमें छलबली मची हुई है, तो मैं जल्दी सत्संग को संपूर्ण करूंगा। वैसे 7 दिन की कथा होती है, ये 8 दिन रुके ये भी बहुत बड़ी बात है, और 8 दिन से हमारे साथ लगातार बजा रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताड़ियां बजाइए, ये शांत बैठे रहे ये, क्योंकि इतने लोग हमको देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए थोड़े मर्यादा से पालन करें। कथा और सत्संग जैसी मर्यादा और कोई होस्ट नहीं सकती। आप या भगवान के मंदिर में बैठे हैं आप पावन, आपकी जरा सी भी चंचलता हम सब के मन को चंचल कर सकती है, इसलिए शांत चित्त से बैठे महाराज। एक दिन दादू जी महाराज एक ककेड़े के पेड़ के नीचे, एक जाड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे। वहां एक प्रेत रहता था, उनको श्राप लग गया। श्राप ही किसने दिया? कोई साधु ने। श्राप नहीं था, वो था तो वरदान, वो श्राप में बदल गया। तो वहां एक प्रेत रहता था, वहां दादू दयाल जी महाराज भजन करते थे, आप जैसे लोग वहां पहुंच जाते थे सत्संग में, तो प्रेत चिल्लाता था रोता था अग्नि के अंगारे फेंकता था। तब दादू जी ने पूछा ये कौन है? बोले प्रेत। दादू दयाल जी ने जड़ लिया हाथ में, उस पर छिड़का, एक दिव्य पुरुष के रूप में सामने प्रकट हुआ। दादू दयाल जी ने पूछा आप कौन हो? बोले महाराज मैं तो एक ग्वाला हूं। बोले प्रेत कैसे बन गया? तो फिर ग्वाले के रूप में उस प्रेत राज ने बताया कि महाराज
इस कहा करडाला पहाड़ी पर कोई संत तपस्या करते थे, भजन करते थे, और मेरी मां मुझे दो रोटी देती थी, तो एक रोटी मैं संत को देता था और एक रोटी मैं खाता था, और मैं गौ माता चराता था। फिर बोले महाराज, महाराज 12 बरस तक संत ने तपस्या करी, 12 बरस बाद में जब वो संत विचरण करने लगे तो कहा, बेटा तूने मेरे सेवा करी है 12 बरस तक, तू मेरे से कुछ वरदान मांग ले। महाराज मैं था ग्वाला, मुझे मांगना आता नहीं, और मैंने महाराज को कह दिया। मैंने सोचा कि मैं खूब लंबी उम्र हो जाए, तो मैंने महाराज को कहा, महाराज मुझे तो लंबी उम्र दे दो। तो महाराज ने यह कहा कि लंबी उम्र तो प्रेत की होती है, जा प्रेत हो जा, और वो प्रेत हो गया। अब महाराज के चरणों में गिर के मैंने प्रार्थना करी, महाराज मैंने 12 वर्ष की आपकी सेवा करी, उसका फल मुझे प्रेत बनना पड़ा। महाराज ने कहा, मैं क्या करूं, तूने मांगा ही ऐसा है, और यह सत्य है कि हम मांगना नहीं जानते। संतों से क्या मांगना चाहिए, परमात्मा से क्या मांगना चाहिए, हम संसारिक वस्तु मांगते हैं जो नष्ट होने वाली है, और जो नष्ट होने वाली वस्तु कभी नहीं मांगना, मांगना है तो अविनाशी मांगना। जो खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन। तो संतों से भी मांगना है तो ऐसी चीज मांगना जो कभी खत्म ही नहीं हो। महाराज, महाराज अब मेरा उद्धार कैसे होगा? तब उस संत ने कहा कि तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं सनक जी महाराज दादू दयाल जी के रूप में अवतार लेकर के आएंगे इस करडाला पहाड़ी पर, और वो ही आपका उद्धार करेंगे। तो महाराज आज मुझे पता चल गया है कि आज मेरे गुरु महाराज के वचन पूरे हुए और आप आकर के आज मेरा उद्धार कर दिया। तो दादू जी महाराज ने उस प्रेत राज का उद्धार किया। अब तो लोगों में और श्रद्धा बढ़ गई, दादू दयाल जी महाराज के पास हजारों लोग आने लगे। तो एक पिता नाम का डाकू रहता था, एक डकैत था, वो पिता चोरियां करता था, और पूरे भारत की राजधानी जो थी, व्यापार की जो राजधानी, व्यापार की दृष्टि से जो राजधानी देखी जाती थी, वो सांबर थी। भजन चले जाते हैं, भजन चले जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से सांबर राजधानी थी, जहां पूरे गुजरात के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, सिंध देश के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के सारे व्यापारी वहां नमक का व्यापार करने के लिए आते थे। तो वहां के व्यापारी, वहां के सेठ लोग जब भी गुजरात जाते थे तो करडाला पहाड़ी के नीचे होकर के निकलते थे। तो ये पिता नाम का डाकू, ये डकैत लूटता था, ये लूट कसोट करता था। एक दिन दादू दयाल जी के पास गया, कहा महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब दादू दयाल जी ने कहा, आप काम क्या करते हो? महाराज काम तो चोरी को ही करियो करूं, लूट कसोट करिया करूं। महाराज ने चोरी करना, लूटना, लोगों को सताना, दुखी करना बंद कर दे तो मैं अपना शिष्य बना लूंगा। महाराज आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लूट कसोट नहीं करूंगा, आप अपना शिष्य बना लीजिए। महाराज का शिष्य हो गया। अब एक दिन वो पिता नाम का शिष्य तो हो ही गया, चोरी करना छोड़ ही दिया, उसका काम धंधा ही चोरी करना ही था, चोरी करना बंद कर दिया। अब एक दिन उसी के गांव में कोई रास लीला करने के लिए वृंदावन से आए, तो गांव में रास लीला हो रही थी, गोपी कृष्ण नृत्य कर रहे थे, उनको वो रास लीला बहुत प्रिय लगी। तो उसके मन में भाव जगा पिता के कि मैं इन रास लीला करने वालों को भोजन कराऊं, पर भोजन कैसे कराऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और मेरा जो काम धंधा है चोरी करने का वो तो बंद हो गया। तो पिता ने क्या किया, पिता ने मन में विचार किया कि भाई धर्म करने के लिए चोरी कर ले तो कोई पाप नहीं। तो उन्होंने जो वहां के जो व्यापारी थे, कोई निकल रहे थे कोई सेठ सेठानी,
उनको लूट लिया। अब वो सेठ सेठानी रोते हुए गांव में गए और गांव में लोगों से कहा, बोले एक पिता नाम का डकैत ने हमें लूट लिया। तो लोगों ने कहा भी वो दादू दयाल जी का चेला है, दादू दयाल जी के पास जाओ, धन वापस दिला देंगे। वो सेठ सेठानी दादू दयाल जी के पास गए करडाला जी में और दादू दयाल जी को जाकर के शिकायत करी, महाराज आपके चेले ने हमें लूट लिया। दादू दयाल जी ने कहा, कौन सा चेला? बोले पिता नाम का डकैत। दादू दयाल जी ने कहा, उसने तो चोरी करना छोड़ दिया। महाराज चोरी करना नहीं छोड़ दिया, हमारा तो सारा धन लूट ले गया। दादू जी ने कहा, आने दो उसको। इतने में थोड़ी देर में वो पिता दादू दयाल जी के दर्शन करने के लिए आया। आते तो उन्हीं सेठ सेठानियों को वहां देखा जिनको लूटा। अब वो घबरा गया, चरणों में जाके प्रणाम किया। दादू दयाल जी ने कहा, अरे वापस चोरी करना शुरू कर दिया। वापस चोरी करना शुरू कर दिया। तब उस पिता कहता है, महाराज मैंने अपने लिए नहीं करी चोरी, परोपकार करने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए चोरी करी है। बोले कौन सा धर्म कर्म? बोले महाराज कोई रास लीला आई हुई थी, उन रास लीला करने वालों को भोजन कराना था, तो मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने चोरी कर ली। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, ये गलत किया। तो पिता कहता है, बोले ये कौन सा गलत है? मैंने तो सांप के मुंह में से निकाल करके गाय के मुख में दिया है। ये सेठ सेठानी तो धन के ऊपर सांप बन के बैठे रहते। सांप मणि दे तो ये कंजूस अपनी मणि दे। ये अपनी चमड़ी दे देते हैं पर दमड़ी नहीं दे सकते, ये कंजूस हैं। और इनको लूट करके किसी परोपकार में लगा दे तो कौन सा पाप हो गया? ये तो सांप है और जिनको मैंने भोजन कराया वो तो गाय है, तो सांप के मुंह में निकाल करके गाय के मुख में दे दिया तो कौन सा बुरा हो गया? तब दादू दयाल जी ने कहा, पिता आपको पता है सांप के मुंह में जहर होता है? सेवक की रक्षा करे। बोले गाय तो मर जाएगी। तो पाप का धन अगर कोई संत भी लेता है और वो खाता है तो वो पाप संत को भी लग जाता है, संत को भी मरना पड़ता है। इसलिए पाप का धन संत को और सज्जन पुरुष को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए संत महात्मा भिक्षा पाते हैं, भीख मांग करके चाहे रूखी सूखी खा करके राम राम करे, पर ये पाप का पैसे का धन अपने घर में नहीं आने दे। मैं कई माता बहनों से प्रार्थना करता हूं, ये भैंसे पालती है और भैंसों के जब पाड़ा हो जाता है ना तो उस पाड़े को कसाई को बेच देती है, और वो कसाई का पैसा जब घर में आता है तो घर में कड़े पैदा हो जाता है। क्यों? पाप का पैसा है। वो पाड़े को ले जाकर के कोई पूजा थोड़ी करते हैं, उस पाड़े को मारते हैं कतलखाने में जाकर के। वो पाड़ा उनको श्राप नहीं देता, उनको श्राप देता है जिसके घर में उसका जन्म हुआ। तो हम वैसे पाड़े दूध के खातिर पाड़ तो लेते हैं, पर वो पाप का पैसा हमारे घर में आएगा तो हमारे घर में कड़े पैदा करेगा, घर में कलयुग आ जाएगा, घर में लड़ाइयां होगी, मुकदमे होंगे, अशांति होगी। इसका कारण यही है कि पाप का पैसा कहीं ना कहीं हमारे घर में आया है। पाप को गौ माता ही पचा सकती है, और दुनिया में कोई नहीं जो पाप का पैसा पचा ले। साधु भी नहीं पचा सकते, इसलिए साधु महात्मा भी रूखा सूखा खा करके अपना भजन करते हैं। दादू दयाल जी ने कहा, पिता वो पाप का पैसा आप रास लीला वालों को खिला रहे हो तो उनकी भी मुक्ति नहीं होएगी, वो भी नरक में जाएंगे। बोले महाराज क्षमा करो, मैंने तो रास लीला देखने के खातर ये चोरी करी है। तो दादू जी ने कहा, मैं तुझे असली रास लीला दिखा दूं तो
तो दादू दयाल जी महाराज को कहते पिता महाराज मुझे असली रास लीला दिखा दो तो मैं सौगंध खा करके कहूंगा कि जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। तो दादू दयाल जी महाराज ने उसी समय उस करडाला पहाड़ी के बराबर में एक पहाड़ी और है, उसको आज भी रास लीला डूंगरी के नाम से जानी जाती है। वहां दादू जी महाराज ने एक भजन गाया, गट गट गोपी गट गट कान, गट गट राम अमर स्थान, गंगा यमुना अंतर वेद, सरस्वती नीर बहे प्रस्वेद, कुंज खेलिता परम विलास, सब संगी मिल खेले रास, तह बिन बेना बाजे तूर, विक्षे कमल चंद अरुसूर, पूर्ण ब्रह्म परम प्रकाश, ता निज देखे दादू दास। दादू जी ने ये भजन गाया, भजन गाते ही रास मंडल उतर आया। ऐसा हो गया जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि हो और यमुना बेणे लगी और वहां गौ माताएं चरणे लगी, भगवान अपनी वेणु बजाने लगे और पंछी गीत गाने लगे, सखियां मृदंग ताल बजा रही है और रास उतर आया। सारा दृश्य पिता नाम का डकैत देख रहा है पर कानों में आवाज नहीं आ रही। दादू दयाल जी को कहा मुझे दृश्य तो दिखाई दे रहा है पर मुझे आवाज नहीं आ रही। तब दादू जी ने फिर दूसरा भजन गाया, मुख बोल स्वामी तू अंतर जामी, तेरा शब्द सुहावे मोए राम जी, तू धेनु चरावन तू बेनु बजावन, तू दर्श दिखावन भामनी, तू विरे उपावन तपत बुझावन, गोपी भावन भूदरा, दादू तारण दुरत निवारण, तू संत सुधारण राम जी, मुख बोल स्वामी तू अंतर जामी, तेरा शब्द सुहावे मोए राम जी। हे मेरे राम जी मुख से भी बोलो। तब भगवान ने वेणु बजी और आवाज आने लगी कानों में, पिता वो दृश्य जो रास लीला नित्य रास होता है वृंदावन में, वो नित्य रास दादू दयाल जी महाराज ने उस करडाला पहाड़ी पर उतार दिया और भगवान के दर्शन होने लगे। तब पिता कहता है महाराज गंगा जमुना उल्टी बहे, पिश्चम उगे भान, पिता चोरी ना करे गुरु दादू की आन। मैं दादू दयाल जी की शपथ लेकर के कहता हूं कि चाहे सूरज उल्टा उग जाए, गंगा जमुना उल्टी बहने लग जाए, सब उल्टा हो सकता है पर ये पिता अब उल्टा काम नहीं करेगा। ये शपथ लेकर के कहता हूं कि मैं डकैत की चोरी छुड़ाई, रास लीला दिखाई। ऐसे अनेकों अनेकों दादू दयाल जी महाराज ने लीला करी और दादू दयाल जी महाराज ने सबको जीवन जीने का तरीका सिखाया। हम सब इसलिए दादू दयाल जी की पूजा करते हैं, दादू दयाल जी को सतगुरु मानते हैं और दादू दयाल जी ही हमारे इष्ट हैं। और दादू गाएगा चार पदार्थ पाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ दादू नाम में छुपा है। और दादू के आगे है राम, जो दादू को गाएगा वो राम जी में मिल जाएगा। अगर राम जी को पाना है तो दादू को गाना है, इसलिए दादू सतगुरु है, सतगुरु ही राम मिलाते हैं। साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माही दिखावे, काया माही सृजनहार, काया माही उतरे पार, सब कुछ काया माही दिखाया है। आप सब दादू राम करेंगे तो मुझे विश्वास है जो कोई दादू राम नाम जपेगा उन पर दादू राम जी कृपा करेंगे, राम जी से प्राप्त हो जाएंगे। वो कभी जन्म मरण की मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो 84 के चक्कर में नहीं पड़ेगा जो कोई दादू राम नाम का जाप करेगा। बोले गौ माता की, दादू दयाल जी महाराज की आज।